esta es Casuire. ¿Casuire? ¿Qué es que es? क्या हुस्न है और आंखें तो कयामत से जालिम की वाह वाह बजा भी देखेंगे बकरों की इसे कहते हैं फौलाद का बना हुआ मालूम होता है फौलाद का वाह हाय 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 क्या तेवर है क्या चितवन है उसके तेरी चितवन से दिल भरी टपक बकरों की हाँ भाई वो बात ये है कि हमारे आबा व अजदाद जब कुर्बानी किया करते थे तो हर बकरे की एक तस्वीर उतरवा लिया करते थे एक बकरा एक तस्वीर एक बकरा एक तस्वीर देखो इस बकरे की मेरे दादा हुजूर ने कुर्बानी की थी हाय और ये बकरा मेरे अब्बा के जमाने में कुर्बान हुआ था वाह तो ये कुर्बानी हो गई ना हाँ फेंको तस्वीरों को नहीं क्या कर रहे हो फेंको इन्हें भाई बात यह है जब से जनावर महंगे हुए हैं ना तो हमने ये दस्तूर बना लिया है कि बकरों की तस्वीरें सामने रखी और पड़ोस से आया हुआ गोश्त लिया बात तो सही कह रहे हो बन्ने भाई महंगाई रोज बरोज बढ़ती जा रही है भाई हाँ मैंने सुना है कि तुम कुछ परेशान हो हाँ बन्ने भाई लड़के वालों की तरफ से परेशान हूँ तो उनको क्या हुआ उनका क्या खुदा ना खासा कोई बीमारी फैल गई अमा नहीं फिर डिमांड बहुत करती है डिमांड कैसी डिमांड ईदी में 50,000 रुपए मांगे पचास तो क्या लड़के की माँ 50,000 से कोई कारोबार करेगी क्या बताएं बस लड़के वालों की जिद है ये देखिए अब आप यहाँ बैठे बातें बताने लगे हैं मैं कहती हूँ बकरा लेने के लिए जाइए आप भाई बन्ने भाई हाँ समझाइए ना इन्हें मैं क्या ईदी में बकरा भेजूंगी ओफो ईदी में बकरा नहीं भेजूंगी बकरा तो मैं अपने घर में कुर्बानी के लिए मंगा रही हूँ अब देखिए ना लड़के वाले आए और उन्होंने ये देखा कि घर में कुर्बानी नहीं हुई तो कितनी बुरी बात होगी मरने दो कम वक्तों को क्या मैं कुर्बान हो जाऊँ भाई ये तो करना पड़ेगा आपको लाजमी मैंने कह दिया हाँ बन्ने भाई समझाइए ना आप बन्ने भाई आप बताइए पैसे कहाँ से आएंगे बकरे के लिए जी यही मुझे खबर थी कि आप यही जवाब देंगे इसी दिन के लिए मैंने बीसी डाली थी पूरे 1,000 रुपए की ये लीजिए 1,000 रुपया और लाइए बकरा वाह ये लीजिए 1,000 रुपया और लाइए बकरा बन्ने भाई समझाइए इन्हें 1,000 में बकरा मिलेगा अरे मुर्गी भी नहीं मिलेगी मुर्गी देखिए सुनिए आप चाहे कोई मरियल सा बकरा ले आइए मगर लाइए जरूर अच्छा सुनिए हाँ आप यूं कीजिए बन्ने भाई को अपने साथ ले जाइए हमारे बन्ने भाई को माशाल्लाह बकरों की बड़ी पहचान है बिल्कुल सही चलो भाई चलो हाँ बन्ने भाई अब चलो तो खरीदेंगे नहीं तो इस बहाने कम से कम बकरों को देख तो आएंगे मगर बन्ने भाई इतने पैसों में अब आओ तो बस एक बात का ख्याल रखना कि बकरा खरीदते वक्त चेहरे पर रवन न रखना इसलिए कि उदास आदमी को तो बकरा भी पसंद नहीं करता अब आओ तो आओ चलो ठीक है जा रहा हूँ अरे पीछे पीछे हटो ऊपर कहाँ चढ़ा रहे हो ये भीड़ भाड़ मुझे पसंद नहीं है और न मेरे दिलावर को ये दिलावर कौन है भाई अरे अपने इसी शेर का नाम है और कौन है दिलावर देख तो सही कितने का भाई बोर्ड लगा हुआ पूरे 5,000 रुपए भाई कोई कमी बेसी नहीं करोगे कमी बेसी नहीं करोगे मैं बकरा बेच रहा हूँ कोई मेकअप का सामान नहीं बेच रहा अरे अकल के अंधे जरा इसकी जान तो देख मैंने दूध और पिस्ते बादाम खिला खिला के पाला है अरे अपनी जान के साथ लगा के रखा है इसको इसको तो देखने के 100 रुपए होने चाहिए मेरे ख्याल में तुमने पिछाड़िया नहीं इसको नहीं नहीं ये एक दो दफा टीवी में काम कर रहा वहाँ अच्छा हाँ। अरे थोड़ी बहुत तो गुंजाइश निकल आएगी ना अरे चल गुंजाइश निकल आएगी मैंने बोला कि बोर्ड लगे हुआ पूरे 5,000 रुपए बेफजूल की पैसे निकल मिलता यही जितना मुझे पसंद है और ना मेरे दिलावर
अरे भाई लगा रुको, ये बकरा हम नहीं ले सकते। अब ये बिल्कुल बकरा ना ना। ओ खबरदार, मेरे बकरे की शान में मैं कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे अपने अल्फाज वापिस ले, नहीं तो अंजाम का जिम्मेदार था आप होगा। अरे मैं ठीक कह रहा हूँ, बकरा ऐसा होता है। तो फिर वह कैसे बकरे होते? ये देखो पकड़ना, ये देखो, इस बकरे की मेरे दादा हुजूर ने कुर्बानी दी थी। ये शक्ल देखो इसकी, ना जानवर को कम से कम खूबसूरत तो होना चाहिए। इसकी शक्ल देखो, इसको देखकर तो बकरी भी घास ना डाले। रजा तू मेरा दिमाग खराब ना कर, तेने बकरे की कुर्बानी देनी है या इसको फिल्म में चार सोड़ा? अरे बने भाई यहाँ क्यों लग गए? चलिए नहीं सर। अरे कहाँ चलिए, कहाँ लेके जा रहा है? मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा, ये मुझे कैल करेगा या मैं इसको कैल करके छोड़ूंगा। इसने छेड़ के मुझे अच्छा नहीं कर रहा। हाँ भाई मैं भी पीछे हटने वाला नहीं हूँ, सारी जिंदगी बकरा में गुजारी है, एक से एक बकरा देखा। जाओ ना बकरा देखो, मैं समझ के आता हूँ। देख ले, देख ले सामने बगैर छुरी से कटने वाले बकरे। अरे ये हमारा दिलावर छुरी से छिपाने वाला बकरा है। बात कर, अब कर बात, कर दू बात। सना अब भूल भी जाओ इन बातों को, तुम इतनी खामोश क्यों हो? तुम्हारा क्या ख्याल है कि मुझे खुश होना चाहिए? कुछ तो बोलो ताकि मूड अच्छा हो और दिल का बोझ हल्का हो। बोझ तो बढ़ते ही जा रहा है। तुम तो जानते हो कि मेरे घर वालों की इतनी हैसियत नहीं है कि वो सिर्फ ईदी में 50-60 हजार रुपए देते। पता नहीं मम्मी को क्या हो गया है, मैंने तो उन्हें समझाने की बड़ी कोशिश की लेकिन उनकी समझ में कुछ नहीं आता। वो तो यही कहती है कि हमारे यहाँ का दस्तूर यही है। एक तो उनके दस्तूर ने हमें उलझन में डाल दिया है। तुम्हारे यहाँ के इस दस्तूर ने मेरे घर वालों को परेशान कर दिया। आखिर वो इतना रुपया कहाँ से लेकर आए? देखो मुझे कुछ सोचने का मौका दो, शायद शायद कोई रास्ता निकला। अब वक्त ही कहां, कल सुबह तो नहीं दे। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, बस तुम परेशान ना करो। देखो मैं तुम्हें इस तरह परेशान नहीं देख सकता, प्लीज मुस्कुरा दो सना, हंस भी दो प्लीज। अरे अब्बा क्या है? ये बकरा नहीं बिकेगा। अरे बच्चों को नहीं क्यों करता है कम वक्त? अरे अब्बा जी ये घंटी के उससे देखो तो बैठे चला जा रहा है। चुप रहा है, जब कोई ग्राहक आए तो इसकी गर्दन ऊपर को उठा के रखियो। अरे अब्बा जी देखो एक घर आ रहा है।